नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। दो दिनों पूर्व सीवरेज कार्य के लिए खोदे गए गड्ढे में मिट्टी धंसने से एक युवक की मौत हो गई थी, वहीं एक नाबालिग श्रमिक जीवित निकला था। इस मामले को लेकर पिछले दिनों निगमायुक्त संजना जैन ने जांच समिति बनाई थी, उसके पश्चात कल दोपहर से जांच भी प्रारंभ हो चुकी है। अब इस मामले में भाजपा विधायक गायत्री राजे पवार आज दोपहर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां पुलिस अधीक्षक कृष्णा वेणी दे साउतू से उन्होंने चर्चा कर कहा कि जो भी इस मामले में दोषी अधिकारी हो उस पर भी प्रकरण दर्ज किया जाए। उन्होंने बताया कि निगम में ना तो महापौर हैं और ना ही पार्षद, उसके चलते लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसके तहत एक युवक की मौत होना और नाबालिग कार्य करना दिखाई दिया है। उन्होंने इस विषय को लेकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि विधिवत जांच कर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मामले को लेकर DGP के नाम आवेदन विधायक ने पुलिस अधीक्षक को दिया है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।